हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जो है मैं इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। जो डोर का इंटीरियर डिज़ाइन होता है, जो उसको कॉलम से जो लुक देते हैं उसकी डिज़ाइन के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जो है समझाने वाला हूँ। नजीक लेके आओ, थोड़ा सा दिख रहा है ये फेस। तो दोस्तों, इसका जो है हाइट रहेगा, वो हाइट और डीप की बात बता दूंगा। पहले जो है डिज़ाइन को समझाता हूँ। यहाँ पर जो आएगा कॉलम आएगा 3 इंच 4 इंच का, जो सेंटर में वहाँ पर बताए होगा। उसके बाद में एक सेंटर में बॉक्स आएगा, जिसके नीचे एक कॉलम छोटा सा रहेगा, ऊपर एक कॉलम रहेगा, जिसके साइड में भी एक कॉलम रहेगा सेम साइज का, ये दो रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप बॉक्स आएंगे, यहाँ से ऐसे एक सांप प्रकार के जो बॉक्स बनेंगे इस तरह से नीचे तक रहेंगे। अब इसकी जो हाइट की और डीप की मैं बात बताऊंगा। आप जैसे कि आप डीप को नज़र आप साइज देख सक रहे हो यहाँ पर, तो इसकी जो हाइट रहेगी दोस्तों 96 इंच रहेगी, ठीक है, यानी 8 फीट रहेगी। और इसकी जो विड्थ रहेगा 52 इंच रहेगा। इसकी डीप की बात करूँ वो डीप रहेगी 8 इंच। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कर साइड में आ रहा है, यहाँ पर जो है आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको हम फिटिंग करेंगे डिजाइन के। तो वीडियो के अंदर शुरू से आखिर तक जरूर देखें, काफी मजा आएगा। और पूरे घर का बेडरूम का काम और ये हॉल का काम, किचन का काम, सारा कुछ जो है मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास भी बेल आइकन ऑल जरूर कर दें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने साइड के पीस वगैरह काट लिए थे और अभी जो है इसको पुतने वाले हैं। और इसका जो भी है पीस वगैरह हमने रेडी किया हुआ है, जैसे आप देख सकते होगे। और इसको जो है अभी ड्रॉइंग के बॉक्स को हम ठोकने वाले हैं। उसके बाद जो बॉक्स फिटिंग के बाद साइड का बना लेंगे, उसके बाद ये ठोक देंगे, ठीक है। साइज वगैरह मैंने आपको बता दिया था शुरू में, और ड्रॉइंग आपको हमने ड्रॉइंग बना के समझा दिया था, इसका काम जो है शुरू कर दें, ठीक है। दोस्तों, हमने रात में जो है यहाँ वाला जो बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स हमने बना लिया था, आपको अभी आपने वीडियो देखा होगा, ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। और जो नाइट के अंदर है ना, रात में जो हमने लास्ट टाइम जो किया था वो वीडियो शूट नहीं किया, मगर वो बता देते हैं। ये साइड में जो पट्टे हमने फिट कर लिए, स्क्रू मार दिए, ओड़े में फिट कर लिए इसको, इस साइड का भी जो हमने फिट कर लिए, ठीक है। अब जो अभी बॉक्स के जो ये बॉक्स आपको बताया था हमने कि किस तरह से इसको ठोका है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। अभी जो है तो आप चीज़ देख रहे हो, ये हमने 1.5 इंच की जो है दो इंच 3 सूत में, और जो है 3 पीस ये और 3 पीस यहाँ पर हुआ है ये, तो ये 3 पीस और छोटे वाले जो है ये 3 पीस जो है ये वाले आपको दिखाई दे रहे होगी, ये 3 पीस
एक बनेगा और ये तीन पीस का एक कॉलम बनेगा, और जो फिर बाद में जो ये तीन पीस का एक कॉलम बनेगा ये वाले, तो इस तरह से जो है कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये कॉलम इसके इस बॉक्स को बनाएंगे हम, इस वाले बॉक्स को पहले हम ये वाले और ये वाले को ठोक लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो डिजाइन थी हमारी कॉलम वगैरह, ये जो बॉक्स था ऊपर का, अभी आपको सेम टू सेम नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर देखे इसके अंदर भी जो है आपको ऐसे ही हमने बनाया है। हमने यहाँ सोचा था गैप देने के लिए, फिर मेरे को आइडिया आया कि फिर यहाँ गैप दे दूंगा, फिर इसको ये थोड़ा जो है ना बैलेंस पे नहीं रहेगा ये बॉक्स, तो हमने जो है यहाँ पर बैलेंस लेके आने के लिए इसको जो है कील मारने के लिए इस कॉलम को नजीक ले लिया। और इसका गेटअप भी बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है, देख सकते हो आप, इसका जो गेटअप भी है ना काफी बढ़िया आ रहा है। अब ये वाला बॉक्स जो है ना दोस्तों यहाँ पर फिट होगा, इस साइड में फिट होगा, यहाँ पर जो है ये बॉक्स फिटिंग होगा। दोस्तों ये बॉक्स जो हमने फिटिंग कर दिया, अब ये पूरी तरीके से मतलब ऊपर का फिट हो गया है, स्क्रू गाड़ना बाकी है बस, बाकी का ये साइड का जो है हमारे को भी आकर्षण बनाना है। यहाँ पर जो डिजाइन आने वाली है साइड में, और साइड की डिजाइन बना लेंगे, तब तक दोनों बने रहे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जो है ऊपर का तो फिटिंग कर लिया था, फिर नाइट में जो है हमने इस वाले को जो है बॉक्स को रेडी कर लिया था। अभी यहाँ पर हमने पीस वगैरह भी कट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे जो पीस है हमने कट कर लिया है, और ये जो पीस लगेंगे दोस्तों यहाँ पर लगेंगे इस वाले बॉक्स में, और वो कैसे ठोकेंगे हम वो आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। वीडियो में बने रहे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़े